जाकर आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर 3 आर जॉइनिंग एंड टू एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। सो देखिए आपके पास कोई क्यूब है, कुछ ऐसे बनाते हैं उस क्यूब को, ये तो नहीं होती क्यूब, ओके यही होती है, ओके ऐसे कोई क्यूब है, दो हैं, अब दोनों की साइड्स लेंथ अलग सब मीन सेम होंगी लेकिन अलग अलग होंगी, और जब हम इन दोनों को अटैच कर देंगे ऐसे कुछ, ये ऐसे बन जाएंगे, मीन रिबेस बन जाएंगे दोनों अटैच हो, ओके तो इसकी हाइट ये 4 है तो ये 4 दोनों 8 हो जाएंगी, तो इनकी लेंथ हो गई 8, हाइट 4 थी, 2 थी यहाँ पे तो 2 2 4 हो गए, और ब्रेथ भी ऐसी थी, ओके तो यही हमें फाइंड करना है। इसमें कैसे फाइंड करेंगे, ये देखिए हमारे पास क्यूब से, अब इसको सॉल्व करते हैं हम, जैसे हमारे पास क्यूबॉइड है ओके, उसकी लेंथ आपको कितनी दी गई है 8, ब्रेथ आपको 4, हाइट भी आपको 4 दी गई है, आपको सरफेस एरिया निकालना है। ये 64 इसलिए दिया गया था, हमारे पास जैसे कि 3 है ना, तो 3 का रूट 64 हो जाएगा, 3 रूट में 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, 3 को 4 1 ही मानेंगे तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये हमें ब्रेथ निकालनी, तो हमें ऐसे निकालना है, ओके यहाँ तक हो गया। उसके बाद सरफेस निकालना है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे हम इसमें, लेंथ बेस प्लस में बेस हाइट प्लस में हाइट लेंथ ऐसे लगाएंगे, बी है हमारा 8 मल्टीप्लाई करेंगे 4 से प्लस में 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से प्लस में 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 4 8 जा 32, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, इन दोनों को इन सब को ऐड करके आएगा 18, और बाहर 2 भी रहेगा इनके 2, इसको इससे मल्टीप्लाई किया क्या है 160 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ओके और हमें सिर्फ इसमें यही बताना था, 2 क्यूब को मिला के उनका हाइट तो उनकी 4 4 थी लेकिन उनकी हाइट दोनों मिलके 8 हो गई थी लेंथ, सॉरी ओके। दिस वाज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 13.1। थैंक्स।